कोरोना महामारी के चलते वाराणसी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक खाद्यान्न, दवाएं और तैयार भोजन उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न संस्थाएं, ट्रस्ट और व्यापारिक प्रतिष्ठान जिला प्रशासन को अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। वाराणसी के प्रमुख समाजसेवी एवं व्यापारी कृष्ण कुमार जालान एमआरपी से भी कम कीमत पर प्रतिदिन राशन किट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराते हैं, जिसका वितरण जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इसके अलावा जनता के ऑर्डर प्राप्त होने पर होम डिलीवरी भी की जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मोदी जी की प्रेरणा से सूखे राशन की व्यवस्था, एक परिवार को हफ्ते से 10 दिन का राशन मिल सके उसकी पूरी पैकिंग यहाँ पे हो रही है। इसमें हमने दो तरह की पैकिंग की है, एक को फैमिली पैकिंग नाम दिया है, जिसमें कि राशन के अलावा चाय पत्ती, चीनी, बिस्किट्स, मसाला, तेल इत्यादि सभी चीज़ें हैं। एक दूसरा पैकेट है, वो उसको हमने जनता पैकेट नाम दिया है, जिसमें राशन और सत्तू और नमक और मसाला, इस तरह से दो तरह के पैकेट करके हमें ये बताते हुए खुशी कि अभी तक करीब 23,000 परिवारों में ये राशन के पैकेट जा चुके हैं। इसके अलावा पैक भोजन की भी व्यवस्था हमारे कई सेंटर से की जा रही है, जिसमें कि अभी तक करीब हमने 80,000 पैकेट्स अभी तक प्रोवाइड कराए हैं और वो सुबह शाम दोनों समय में जाते हैं। तीसरी एक व्यवस्था है कि एक चैरिटेबल दवा की दुकान है, जिसमें कि 20-90% लेस में दवाएं बिकती है। उस दवा की डिलीवरी भी हमने घर घर की शुरू कर दी, उसमें दूरी और अमाउंट की कोई बाध्यता नहीं रखी है। तो हमारे अभी जैसे 50 रुपये का भी सामान मिनिमम अमाउंट और करीब 40 किलोमीटर, कल कछुआ में एक डिलीवरी कराई 40 किलोमीटर दूर तक। इसके पीछे दो उद्देश्य है कि लोगों को सस्ते में घर बैठे, ताकि लोग बाहर न निकलें, जो सरकार की अपील है कि लोग घर से बाहर बेवजह न निकलें, तो दवा के लिए, राशन के लिए किसी को भी घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। राशन की दुकान में भी हमने इसी तरह किया है कि सभी चीज़ें एमआरपी से कम में, क्योंकि इस समय कुछ गलत लोग कालाबाजारी भी करने लगते हैं, रेट्स बढ़ा लेते हैं, तो हमने बाकायदा विज्ञापन दे के अपने रेट्स भी दिए और एमआरपी से कम में घर घर वो भी डिलीवरी कर पा रहे हैं। कृष्ण कुमार जालान के व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा संचालित दीनदयाल जालान सेवा ट्रस्ट द्वारा प्रतिदिन तैयार भोजन के 5,000 पैकेट का वितरण किया जा रहा है। ट्रस्ट द्वारा प्रतिष्ठान में ही भोजन तैयार कराया जाता है और उसकी पैकिंग कर शहर के विभिन्न थानों पर भेज दिया जाता है और पुलिस प्रशासन की देखरेख में भोजन पैकेट का वितरण प्रतिदिन कराया जा रहा है, ताकि मां अन्नपूर्णा के शहर में कोई भी लॉकडाउन के दौरान भूखा ना रह सके। बाबा विश्वनाथ की कृपा से और मां अन्नपूर्णा की कृपा से, जो मोदी जी ने आह्वान किया था कि इस सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में इतने भारी समय, जो कि एक मुसीबत का समय आया है हम लोगों के ऊपर, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसको जो डेली कमाता है और डेली खाता है, ऐसे लोगों को जो दिक्कत हो रही थी भोजन को लेकर के इस लॉकडाउन में, उसमें हम भी इस यज्ञ में, जो मोदी जी ने यज्ञ शुरू किया है, योगी जी ने यज्ञ शुरू किया, उसमें थोड़ी आहुति जलान ग्रुप ने भी अपनी डाली है। मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री दीनदयाल जी जलान और मेरे पिताजी श्री कृष्ण कुमार जलान, इन लोग सबकी यही हमेशा प्रेरणा रहती है कि भोजन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं, कि किसी को तकलीफ नॉर्मल दिनों में भी ना हो, तो इस समय तो खैर और ज़्यादा हम लोगों की ड्यूटी बन जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन करीब 5,000 से 5,500 पैकेट हम लोग तैयार करके और वितरण कराने के लिए प्रशासन को दे रहे हैं इस समय, और बहुत अंदर से आनंद है कि इस चीज़ को हम लोग कर पा रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट है हम लोगों का कि जैसे इस समय का ये दौर है, इसमें हर समय हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, तो उसके लिए हम लोग जालान ग्रुप आगे आया है और हम अपने सुपरमार्केट से और दवाई की दुकान से, जिस पे कि हम कॉस्ट प्राइस पे दवाई देते हैं, हम लोग अपने करीब 40 आदमियों की टीम लगा रखे हैं, जो कि पूरे शहर में वितरण कर रहे हैं। तो कोई भी अपने घर से बाहर ना जाए, जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके और अपनी चीज़ों को, दवाइयों, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, दवाइयाँ और भोजन, ये मंगा सकें आप उसकी सामग्री। तो ये हम लोगों की रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिन्होंने कहा है और उनकी बात को मानते हुए 130 करोड़ लोग घर में बैठे हैं,
और कुछ मतलब इतना बड़ा धैर्य रखे हुए हैं अपने जीवन में। योगी जी इतना कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, सब लोग धैर्य रखे हैं, तो उसको और कुछ दिन इसी तरह पालन करें। जो कुछ हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उन लोगों को पूरा सहयोग करें और हमें ये मौका दें कि आप अपने घर में रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जालान ग्रुप आपका सहयोग करेगा, आपके द्वार तक पहुँचाएगा जो भी आपकी ज़रूरत है। दीनदयाल जालान सेवा ट्रस्ट एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा दवाओं की भी होम डिलीवरी सुविधा जनता को प्रदान की जा रही है। वाराणसी में सामाजिक समूहों द्वारा भी तैयार भोजन प्रशासन को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे प्रशासन जरूरतमंदों को वितरित कर रहा है। दूरदर्शन की टीम ने सिंधी समाज द्वारा किए जा रहे सहायता कार्यों का जायजा लिया। देश में कोरोना की महामारी को लेकर जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर लॉकडाउन घोषित किया गया है, तब से हम वाराणसी के पूर्ण सिंधी समाज के लोगों ने उनके आह्वान पर इस बात का बीड़ा उठाया है कि हम निश्चित रूप से इस लॉकडाउन की स्थिति में संपूर्ण सिंधी समाज के लोग काशीवासियों को, जो कि हमारी परंपरा रही है कि काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता है, उसी परंपरा को कायम रखने के लिए हम संपूर्ण सिंधी समाज के लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हमारा यह पूरा प्रयास रहेगा कि हम जन जन तक प्रशासन के माध्यम से अन्नपूर्णा सेवा चलाने का जो पिछले 2 सप्ताह से काम कर रहे हैं, और हम यह भरोसा दिलाते हैं आपको कि जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति रहेगी तब तक सिंधी समाज वाराणसी का पूरे तन मन धन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ज़रूरतमंदों का प्रशासन के माध्यम से सहयोग करता रहेगा। वाराणसी के व्यापारिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों और लोगों द्वारा लॉकडाउन के दौरान जनता को जरूरी सामान मुहैया कराए जाने से काफी राहत है। जिला प्रशासन की देखरेख में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के चलते आमजन का शासन प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है और वाराणसी की जनता जिला प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग कर रही है।